2002 में मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की थी आईआईटी दिल्ली से। बीटेक में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। उसके बाद फिर मैंने एमटेक की आईआईटी दिल्ली से। 2004 से 2007 तक मैंने जॉब किया। तो जिस दिन मैं रिजाइन दिया था उसी दिन मेरा सैलरी डबल हो गया, 4 लाख, 2 लाख से 4 लाख 2007 में। आईआईटी दिल्ली का गोल्ड मेडलिस्ट सन्यासी, ये कैसे हो गया? आईआईटी दिल्ली में जब मैं पढ़ता था तो मेरा ही सोच रहता था कि कितने सारे इंजीनियर हैं, लेकिन साधु जो समाज में लोगों के व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को सुधारने वाले ऐसे लोग कम हैं। मुझे लगता है कि लोग आपसे भी कहेंगे कि बाबा जी बन गए और सीट तो खराब कर दी इन्होंने आईआईटी की। सीट की क्या बात है इसमें, इतने आईआईटी सुसाइड कर रहे हैं, सीट खराब नहीं हो रहा है। लोग भागते पैसे के पीछे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? बिना पैसे के तो कुछ होता ही नहीं। क्या होता है पैसे से? कुछ नहीं होता। आप 5 लाख रुपए कमाओगे तो कितना चपाती खाओगे? 3-4। आप मान लो 20,000 कमा रहे हो, आप 3-4 खाते हो जी, कल 5 लाख कमाओगे, कितनी चपाती खाओगे? चपाती तो उतनी खाएंगे। नहीं नहीं, हाँ। सीधे सीधे उतनी कितनी खाएंगे? उतनी खाएंगे ना, सीधे हाँ। आंसर दीजिए जी, है ना, उतनी खाओगे ना जी। जब आपकी आवश्यकताएं उतनी है जी, तो इतनी की क्या जरूरत है? आवश्यकताएं तो सीमित है ना इंसान की जी, इच्छाओं का अंत नहीं है। आवश्यकताएं सीमित है लेकिन इच्छाएं अनंत है। सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? इंसान है। सबसे ज्यादा दुखी कौन है? इंसान ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में। दिल्ली में आज हमारे साथ एक ऐसे सन्यासी जुड़े हैं जो आईआईटी दिल्ली के ही गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वैसे तो मैं आपको लगातार विभिन्न प्रकार के अद्भुत साधु संतों, महात्मा, तपस्वी, साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे साधु हैं जो आईआईटी दिल्ली के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो उनसे जानेंगे कि कैसे आईआईटी दिल्ली का गोल्ड मेडलिस्ट रहा एक छात्र सन्यासी हो गया, वो सन्यास परंपरा में आ गए। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आईआईटी दिल्ली में जब मैं पढ़ता था तो मेरा ही सोच रहता था, सोसाइटी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और इतने सारे इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स, जजेज, पॉलिटिकल लीडर सब हैं, बट प्रॉब्लम्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जी। तो हम देखते हैं कि लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं उसके बाद भी उनका कैरेक्टर बहुत लो होता है और दे इंडल्ज इन करप्शन एंड ऑल दीज थिंग्स प्रॉब्लम्स। तो इतना पढ़ाई का क्या फ़ायदा? इसलिए I wanted, let us do something which helps people to improve the quality of human being. आज के समय में मशीन की क्वालिटी बढ़ती जा रही है और इंसान की क्वालिटी घटती जा रही है जी। तो मशीन की क्वालिटी बढ़ती क्या फ़ायदा जब इंसान की क्वालिटी ख़राब हो रही है? तो देर शुड बी समवन हु इज वर्किंग ऑन दिस एस्पेक्ट कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो उसके लिए समवन हैज़ टू कम आउट। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि देर आर सो मेनी इंजीनियर्स पर देर आर लैक ऑफ द पीपल हु आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म द हार्ट ऑफ द पीपल। इतने सारे इंजीनियर हैं लेकिन साधु जो समाज को, समाज में लोगों के व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को सुधारने वाले ऐसे लोग कम हैं। अगर आप देखो इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं और सबको अगर हमें चरित्र निर्माण की शिक्षा देनी है तो वी नीड 1 करोड़ एजुकेटर्स। अगर 130 करोड़ को देनी है तो 1 करोड़, 1 करोड़ तो चाहिए ना कम से कम। तो कौन सा वो साल था जब आप आईआईटी दिल्ली के गोल्ड मेडलिस्ट हो गए? मैं 2002 में मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की थी। बीटेक में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। उसके बाद फिर मैंने एमटेक की आईआईटी दिल्ली से। तो 2004 में मैंने एमटेक कंप्लीट की आईआईटी दिल्ली से। और गीता कब पढ़ी? गीता में जब आईआईटी दिल्ली में था तब मुझे ना भगवद गीता का ज्ञान मिला। तो 2004 में जब एमटेक कंप्लीट कर ली, उसके बाद कहीं जॉब वगैरह भी करी या सीधा फिर? 2004 से 2007 तक मैंने जॉब किया जी, हाँ, एलएनटी में। अच्छा खासा पैकेज। हाँ, तो एलएनटी में मैं मैनेजर की पोस्ट पे था। जिस दिन मैं रिजाइन दिया था, रिजाइन देने का सोचा था, उसी दिन मेरा सैलरी डबल हो गया, ऐसे लेटर आया था। तो कितना हो गया था? 4 लाख। 2 लाख से 4 लाख। और आपने कहा कि मशीन की क्वालिटी बढ़ रही है और इंसान की घट रही है। हाँ, मैंने कहा अब देख पी सकते हैं आप समाज की स्थिति, आप देख सकते हैं हाँ। ना, भारत में 66 लाख क्राइम होता है एक साल में। ये अपने आप में प्रमाण है कि इंसान की क्वालिटी घटती जा रही है। तो आपको लगता है कि मैं जिस रास्ते पे आईआईटी छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके, पैसा छोड़ करके साधु बन के आगे बढ़ रहा हूँ, वो रास्ता सही है? हाँ बिल्कुल सही है, बनना चाहिए लोगों को, साधु बनना चाहिए। हाँ, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। देखो हर कंपनी, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज
IITians को ही क्यों हायर करती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आपको आगे बढ़ाना है तो यू नीड इंटेलिजेंट पीपल। उसी तरह से अगर गुडनेस को भी फैलाना है तो यू नीड इंटेलिजेंट पीपल। मैंने पिछले दिनों एक IIT के केशव दास का इंटरव्यू किया जो ब्रह्मचारी हैं, IIT कानपुर से उन्होंने BTech करा था, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने लिख करके भेजा कि इसने सीट खराब कर दी IIT की। तो मुझे लगता है कि लोग वही प्रश्न आपसे भी कहेंगे कि बाबा जी बन गए और सीट तो खराब कर दी इन्होंने। सीट की क्या बात है इसमें, है ना, इतने IIT सुसाइड कर रहे हैं, सीट खराब नहीं हो रहा है, कोई सीट खराब नहीं होता है। पर आपने कहा IIT में लोग सुसाइड करें, IIT तक जाने के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है बच्चों को, तो ये बात सच है IITians वहाँ पहुँच करके भी सुसाइड कर ले रहे हैं? बहुत सारे कर रहे हैं। अब देखो हर साल इंडिया में 40,000 यूथ सुसाइड करते हैं, 10,000 कॉलेज स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। IIT का आप डाटा देखिए, पिछले 3 साल में 60-70 लोगों ने सुसाइड किया IITians ने। यस, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? उनको क्यों स्पिरिचुअलिटी बताने वाला नहीं है, पर्पस ऑफ लाइफ पता नहीं है, वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ पता नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों पे सुसाइड कर लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बहुत स्ट्रांग है, लाइफ में बहुत वीक हैं। फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, लाइफ की नहीं है। कोई बताने वाला नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, सिखाने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं कैसे फेस करना है। भगवद्गीता नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझ में आएगी। आप कौन से सन में साधु बन गए थे? 2007 साथ में ही छोड़ते ही साधु बन गए। घर वालों ने रोका नहीं कि भाई अच्छी भली नौकरी है, पैसा आ रहा है, क्यों जा रहे हो छोड़ के? घर वाले वैसे समाज के जो प्रथा है उसके अनुसार तो लोग डर जाते हैं, कंफर्टेबल नहीं फील करते अगर उनके घर का कोई पढ़ा लिखा नौजवान जो है अगर संत बने तो। उसी तरह से हमारे घर वाले भी खुश नहीं थे। तो फिर आपने कैसे किया मैनेज? मैंने बताया कि दिस इज माई पैसन, दिस इज वॉट आई वॉन्ट, दिस वॉट विल मेक मी हैप्पी। तो 2007 में जब सन्यास ले उस समय उम्र कितनी थी आपकी? 28। 28 साल की उम्र में शादी नहीं की थी? नहीं। आप लोगों के ऊपर और कृष्ण भक्तों के ऊपर ये भी बहुत ज़्यादा आरोप लगते हैं कि इन लोगों का बस एक ही काम है कि नए नए नौजवानों को हाईजैक करके उनको ब्रह्मचारी बनाओ, धोती कुर्ता पहनाओ और हरे कृष्णा करो और सड़कों पे नाचो और गाओ, बस, और इनका दूसरा कोई काम नहीं। तो अच्छी बात है ना, पहले कोई व्यक्ति को आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमारा लाइफस्टाइल, उनसे ज़्यादा काम करते हैं हम लोग जी। हाँ, हमारा डेली शेड्यूल आप सुबह 4 बजे उठते हैं और रात के 10-11 बजे बेड पे जाते हैं, पूरा दिन हमारा एक्टिविटी रहता है। ये नहीं केवल नाचते गाते रहते, ऑफकोर्स नाचना गाना कोई आसान काम नहीं है, आप नाच गा के दिखा सकते हैं? बहुत सारे लोग नाच रहे हैं। कहाँ नाच रहे हैं, दिखाइए एक भी व्यक्ति। हर व्यक्ति टेंशन स्ट्रेस में कौन नाचता कौन है? आप देखेंगे बहुत सारे बार हैं, बहुत सारे पब बार में एक दिन नाचते हैं, रोज थोड़े नाचते हैं, हम लोग डेली नाचते हैं और आनंद में नाचते हैं। वो तो शराब पी के नाचते हैं ना, वो तो गम भुलाने के लिए ना, है ना, झूठ मूठ का ड्रामा करते हैं, वहाँ खुशी थोड़े है उसमें, तो नशा है ना, तो एडिक्शन है ना, शराब पीना, स्त्री के साथ डांस करना, ये तो एक नशा है ना, लस्ट, वो अलग है, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। भगवान के लिए नाचने में आनंद है। आपने बोला कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं आजकल, यंगस्टर्स हैं, वो लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास कोई फार्मूला है कि लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व? लाइफ की प्रॉब्लम्स पहले लाइफ के बारे में पता तो होना चाहिए, उनको पता ही नहीं कि वो कौन है, वो सोचते अपने को शरीर मानते हैं, शरीर को सजाने संवारने में पूरा जीवन बिता देते हैं, लग्जरियस लाइफ, कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड ये वो चाहिए, उससे थोड़े ना आत्मा की खूबसूरती थोड़ी बढ़ती है। इतने कॉस्टली आइटम्स लोग रखते हैं फिर भी सुसाइड कर लेते हैं, अंदर से खुश नहीं है। तो क्या उपाय है? समझना पड़ेगा ना कि आप हैं कौन पहले। आप शरीर नहीं है सबसे पहले ये समझो जी, आप आत्मा हैं। तो आत्मा कैसे खुश रहेगी? आत्मा खुश रहेगी जब भगवान की भक्ति करेगी। पहले तो पता होना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, सच्चित आनंद है आत्मा, सच्चित आनंद। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, तो भय किस बात का? तो आप देख रहे हैं कि एक IIT के गोल्ड मेडलिस्ट और IIT दिल्ली के होनहार छात्र, जिनकी अच्छा खासा पैकेज था, वो साधु हैं। उनका कहना है कि गीता में भी कहा है कि ना अग्नि भस्म कर सकती, ना वायु ही सुखाएगी, किसी हथियार के द्वारा कभी काटी ना जाएगी।
असर होता नहीं उस पर कभी पानी के पड़ने का, ये आत्मा हरगिज कभी भी मिट ना पाएगी। तो ये आत्मा है, इसके असली स्वरूप को जब जानेंगे तो लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। या बहुत सारे लाइफ ही नहीं, सोसाइटी की जितनी समस्याएं हैं आप देखो, करप्शन, क्राइम, इमोरैलिटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एवरीथिंग, जितनी सारी इतनी प्रॉब्लम चल रही है समाज में, आप देख सकते हो। लोग भागते पैसे के पीछे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं लोग हैं ना? तो आपका क्या मतलब है, पैसा नहीं कमाना चाहिए? ऐसे पैसे क्या करेंगे आप, पैसे कमा के? बिना पैसे के तो कुछ होता ही नहीं। क्या होता है, पैसे से कुछ नहीं होता। आप 5 लाख रुपए कमाओगे तो कितना चपाती खाओगे? अभी कितना चपाती खाते हैं? लेकिन और भी तो ज़रूरतें होती हैं मनुष्य की। मैं पूछ रहा हूँ आपको, कितना चपाती खाते हैं आज, कितना चपाती खाते हैं आप? मैं, हाँ, मैं एक समय में तीन चार खाते हो। आप मान लो 20,000 कमा रहे हो, आप 3-4 खाते हो जी। कल 5 लाख कमाओगे, कितनी चपाती खाओगे? चपाती तो उतनी खाएंगे। नहीं नहीं, हाँ, सीधे सीधे होते उतनी खाएंगे, उतनी खाएंगे ना। हाँ। सीधे आंसर दीजिए जी, है ना, उतनी खाओगे ना जी। जब आपकी आवश्यकताएं उतनी हैं जी, तो इतनी की क्या जरूरत है? आवश्यकताएं तो सीमित है ना इंसान की जी, इच्छाओं का अंत नहीं है। आवश्यकताएं सीमित है लेकिन इच्छाएं अनंत है। इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं मतलब आपका, तो इसलिए आप कभी सुखी नहीं रह पाओगे। जब इच्छाओं के पीछे भागोगे, इच्छाएं कभी पूरी होंगी नहीं जी। हमेशा आप, है ना, तृष्णा के, तृष्णा तृष्णा, आई वांट मोर 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 मोर, कितना भी मिल जाएगा हमेशा आप दुखी रहोगे। आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके पास कितना है, आप हमेशा ये देख रहे हो क्या नहीं है। इसलिए आप हमेशा हमेशा आप चिंतित रहते हो, दुखी रहते हो। नमक की ज़रूरत है सब्जी में, है ना जी। लेकिन सारा सब्जी नमक का ही बना दोगे, खपाओगे नहीं, नहीं खा नहीं खा पाएंगे ना जी। तो उसी तरह से जीवन में पैसे का ज़रूरत है, लेकिन हर जगह पैसा पैसा ही कर दोगे, वो जीवन भी उसी तरह से जैसे कि पूरा सब्जी नमक का बना दिया, व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ होगा सर, पैसा उतना ही जितना सब्जी में नमक ज़रूरत है। इसीलिए शायद आपने छोड़ दिया। हाँ नहीं, हमने तो छोड़ा इसलिए ताकि समाज में अच्छाई को बढ़ा सके जी, है ना, समाज में अच्छाई को बढ़ा सके। पैसे की आवश्यकता है, आवश्यकता है, लेकिन एक लिमिटेड आवश्यकता है। नहीं कि पैसा नहीं है तो जी नहीं सकते। आप देखो जितने सारे पशु पक्षी, हाथी घोड़े सब जी रहे ना, पैसा कमाते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? इंसान है। सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? इंसान ही। आप देखो इतने सारे पशु पक्षी हैं, किसकी संख्या ज़्यादा है, पक्षियों की या इंसान की? पक्षियों की संख्या ज़्यादा है, पक्षी तो कमा नहीं रहे, कैसे जी रहे हैं? सोचने वाली बात है ना, कैसे जीते हैं पक्षी बताइए। लेकिन वो उनके अंदर सोचने की, समझने की, करने की क्षमता नहीं। तो और प्रॉब्लम होना चाहिए ना उनके लाइफ में। आपके पास समझने की क्षमता है फिर भी आप दुखी हैं, सुसाइड कर रहे हैं। आप देखें कि कुत्ता सुसाइड कर गया कुएं में कूद के जी, तो कौन ज़्यादा दुखी है? सही बात है। तो आप इतना दिमाग, सोचने समझने की शक्ति लेके भी दुखी हो, स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो जी, इसमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम है आपके साथ, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, इंसान समझ नहीं पा रहा है। आपके पास इतना पैसा है फिर भी आपका प्रॉब्लम है। आपके संपर्क में है कोई ऐसे, मतलब आपने प्रत्यक्ष देखा है कि बहुत करोड़ों रुपए जिनके पास थे वो दुखी? अरे हजारों लोग हैं। आप जितने बड़े बड़े लोग हो, जितने फेमस सेलिब्रिटीज हैं, सबका इंटरव्यू देख लो आप जाके यूट्यूब पे, बताते हैं कि मैं रोज डिप्रेशन में सुसाइड का सोचता हूँ जी। इतने बड़े बड़े लोग सुसाइड करते हैं। सिद्धार्थ जो कॉफ़ी कैफे डे के मालिक थे, सुसाइड किया ना, कैसे किया? बहुत सारे सेलिब्रिटीज, आप गूगल पे जाके टाइप तो कर लीजिए, बिलियनर हु कमिटेड सुसाइड, आपको कई लोग मिल जाएंगे। वो छोड़ दीजिए, हर साल इंडिया में पिछले साल कोरोना से उतने लोग नहीं मरे जितने सुसाइड से मरे हैं, आप जानते हैं? आपने वो खबर पढ़ी थी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं प्रयागराज में, उन्होंने सुसाइड कर लिया था? हाँ, तो ही तो बोल रहा हूँ ना मैं। तो वो भी तो साधु थे? नहीं, साधु थे, साधु से कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है संत जो सब कुछ जो कह रहे हैं हमने छोड़ दिया, वो भी तो उस कैटेगरी के लोग। वही बात बता, संत बनने से खुद थोड़े, तो सिद्धांत पे जो आगे बढ़ेगा वो छोड़ा ना, मतलब जो सिर्फ भगवा पहन लिया वो संत ऐसे थोड़े होता है। लेकिन अखाड़ा परिषद जो 13 अखाड़े सनातन धर्म के हैं प्रमुख, उनके अध्यक्ष हेड, अगर आप क्यों सुसाइड किया, संत नहीं मान रहे? क्यों सुसाइड किया, सुसाइड क्यों किया आपको नहीं मालूम? नहीं, अब बताओ। संपत्ति का विवाद, ऐसा मैंने पढ़ा था। हाँ, तो वही बात है, तो जब संत है तो संत को संपत्ति के विवाद से क्या लेना देना,
जो भगवान की सारी सृष्टि भगवान देख रहे हैं हर चीज़ को, है कि नहीं? तो कोई ऐसे ऐसी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए संत को। फेसबुक पे किसी ने कुछ लिख दिया इसके लिए सुसाइड हो गया, ऐसा तो नहीं होता है? होता है ना, ऐसा भी हो जाता होता है ना। आईएम की उस छात्रा ने सुसाइड किया क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने फेसबुक पे कुछ लिख दिया पब्लिक में। हाँ, पब्लिक में। तो आपको नहीं लगता कि आजकल मनस्थिति बहुत कमजोर हो रही है? यस, क्योंकि अगर मनस्थिति मजबूत होगी तो व्यक्ति सामना करेगा हर चीज का। सामना करेगा, करेक्ट। सुसाइड के समय मृत्यु तो होती नहीं है ना। आप किसको मार रहे हो जी? किसको मार रहे हैं आप? मृत्यु तो होती नहीं, आत्मा तो मरता ही नहीं है, तो मारेंगे किसको? शरीर ही नष्ट कर रहे हैं ना, और शरीर का तो ऐसे भी अस्तित्व नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि आज आप देख रहे हैं कि लोग पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं और वेस्ट को इमिटेट भी कर रहे हैं कूल दिखने के लिए। करेक्ट। तो आप उनको क्या संदेश देंगे? अब वेस्ट को देखो ना, वेस्ट कौन सा सुखी है? वेस्ट के पास मटेरियल फैसिलिटीज हैं, भौतिक विकास करके कौन सा सुखी है वेस्ट? वहाँ पे भी समस्याएं हैं। तो उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि अंधानुगमन ना करें। वेस्ट जो है आ रहा है हमारी तरफ, हम जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, है ना। जो व्यक्ति किसी चीज़ को चख के रिजेक्ट कर चुका है कि ये अच्छा नहीं है, हम उसी को फिर से चखना चाह रहे हैं। वेस्टर्न लोग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं अपने कल्चर से जी। वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं, वैदिक लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, और इंडिया के लोग पुलिस लोग वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जो चीज़ आपके लिए आकर्षक लगती है वही चीज़ खतरनाक है ना, लेकिन उसमें फंस जाते हैं आप। लोग उसमें फंस जा रहे हैं ना, जैसे चूहा फंस जाता है ट्रैप में, फंस जाता है चूहा ना, छोटी रोटी देख, छोटी रोटी उसका फेवरेट आइटम आपने डाल दिया तो वो ये नहीं देख पाता कि फंसाने के लिए है, उसे फंस जाता है वो। उसी तरह से लोग इन भौतिक आकर्षणों में फंस जा रहे हैं। एक बार शराब का नशा लग जाता है फिर छूटता नहीं है, है कि नहीं? ये नशा है ना, ये इतनी एडिक्टिव है, और लोग इस बात को जानते नहीं है, और फिर बाद में फंस जाते हैं, फिर बोलते हैं ना रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलो जी है कि नहीं? बिल्कुल। पहले प्रॉब्लम में फंसते हैं फिर बोलते हैं हमको निकालो यहाँ से, है कि नहीं? जाने का ही क्यों? लिखा है स्मोकिंग इज इंजुरियस फॉर हेल्थ, फिर भी पी रहे हैं, पी रहे हैं पैसा देकर। पढ़े लिखे लोग आप कैसे मानोगे पढ़े लिखे हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ सच एजुकेशन? दे पेइंग टू बाई पॉइजन, दे आर फुल नंबर वन, बट दे आर PhD होल्डर्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग एडिक्ट्स, और बोलते हैं हम पढ़े लिखे हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति मूर्खता का काम करेगा क्या? पैसा देके जहर खरीदेगा क्या? बोलिए नहीं। तो फिर तो उनको सही में स्पिरिचुअल एजुकेशन की ज़रूरत है, सीरियस एजुकेशन की जरूरत है। आज इंडिया में 27 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। कितने? 27 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। हर व्यक्ति 8 सिगरेट पीता है एक दिन में, तो 216 करोड़ सिगरेट रोज पीते हैं। कितना पैसा हो गया 216 करोड़ सिगरेट का? कितना पैसा हो गया बताइए? 2100 करोड़। 10 रुपए का सिगरेट भी लीजिए तो 2100 करोड़ रुपए इंडिया के लोग रोज तो सिगरेट पीने में लगाते हैं, मतलब जला रहे हैं, जला रहे हैं, और उस और पी के शरीर हेल्थ भी खराब कर रहे हैं। 15 लाख लोग एक साल में मरते हैं इंडिया में सिगरेट पीने के कारण, हर साल कोरोना हाई हाई चल रहा है। 5 लाख लोग मरे 2 साल में सिगरेट्स पी के, 15 लाख लोग मरते हैं हर साल, उसे कोई नहीं देखता, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये इसी को बता रहा हूँ कि लोग मूर्ख हैं एक्चुअली, लेकिन बोलते हैं हम एडवांस कर रहे हैं, मॉडर्न हैं। तो इसको अज्ञानता को कैसे आप नष्ट करोगे बताओ? कैसे समाज सुखी होगा? तो इसको एजुकेशन की ज़रूरत है, सीरियस डायग्नोसिस एंड एजुकेशन चाहिए, स्पिरिचुअल एजुकेशन। हाँ, स्पिरिचुअल एजुकेशन। आप जाते हो सोच के कि अच्छा मजा आएगा, मजा सजा बन जाता है। गीता में भगवान बताते हैं कि जो रजोगुण का सुख होता है शुरू में अमृत की तरह लगता है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए विष बन जाता है, इसका परिणाम विष है। ये रजोगुण का सुख है। सतोगुण का सुख क्या है? शुरू में विष के समान लगेगा, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अमृत। इतना पैसा लगाते हैं लोग, इतना टाइम देते हैं मटेरियल एजुकेशन के लिए, स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए कोई टाइम नहीं देता। डाइवोर्सेज इतने बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इतनी सारी हो रही हैं। 37% लोग सुसाइड करते हैं इसलिए क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण। आजकल के लोग उनको पता है कैसे ब्रिज बनाना है, कैसे मेट्रो बनाना है, कैसे एरोप्लेन बनाना है, कैसे मिसाइल बनाना है, बट कैसे एक इंसान को बनाना है
कैसे एक रिलेशन बनाना है दैट दे डोंट नो. व्हाई दे डोंट नो? बिकॉज देयर इज नो एजुकेशन. इंजीनियर बनने के लिए आप 27 साल पढ़ाई करते हो, डॉक्टर बनने के लिए आप 30 साल पढ़ाई करते हो, लॉयर बनने के लिए आप 25 साल पढ़ाई करते हो, इंसान बनने के लिए कितना साल पढ़ाई करते हैं? तो इसलिए आप देखो समाज में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं. प्रॉब्लम्स की कमी है, सरकार परेशान है, पढ़े लिखे जो ऑफिसर वही करप्ट है. 65% IAS ऑफिसर करप्ट एज पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल डाटा. तो इतना पढ़ाई लिखे करप्ट है तो हो गया तो क्या फ़ायदा बताओ? इससे बढ़िया है कि जो नहीं पढ़ाए हाई प्रोफाइल वो भी पढ़ाई, हाई प्रोफाइल पढ़ाई, वो उसको सब पता है फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाता. वो जानता है ये गलत है फिर भी करता है. क्यों? क्योंकि संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं डेवलप हुआ. सेल्फ कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर पावर आप दोगे तो और खतरनाक है. आप बंदर को एक 47 राइफल पकड़ा दिए वो ज़्यादा डेंजरस है कि नहीं? खाली हाथ वाला बंदर कम डेंजरस है. सो मेनी स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज आर देयर, वेयर इज द एजुकेशन? कि साथ में कुछ नहीं जाएगा, जो भी कमाओगे यहीं रह जाएगा, एक पैसा भी नहीं लेके जा पाओगे. कोरोना में इतने लोग मरे, सब भरा का धरा रह गया. कर्म जाएंगे साथ में और फिर अगला जीवन उसी के अनुसार मिलेगा. ये ज्ञान नहीं है. नास्तिकता बढ़ रही है, नास्तिकता के कारण लोग पापी पाप कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं कि ईश्वर देख रहा है, जो सबको ऑब्जर्व कर रहा है. तुम्हारे पापों का हिसाब होगा एक दिन. तो बोलते हैं आधुनिक पढ़ लिख के लोग और नास्तिक हो रहे हैं. जब नास्तिक हो गया तो उसको क्या शर्म? मुर्दे पे एक मन माटी डाली या 9 मन, क्या फ़र्क पड़ता है? जो गिर गया एक बार वो कितना भी गिरेगा. वही हो रहा है. आप देखिए समाज में स्टेटिस्टिक्स जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, आप कोई भी जाके इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है. 650 करोड़ लीटर शराब पीते हैं इंडिया में हर साल लोग. क्या वैल्यू एडिशन है उसका बताइए? 650 करोड़ लीटर शराब का मतलब जानते हैं कितना पैसा हो गया? 3 लाख करोड़ रुपये हो गए. एक साल में इंडिया के लोग 3 लाख करोड़ रुपये शराब पर बर्बाद करते हैं. अगर वो भगवान के भक्त बन जाए तो पैसा बचेगा? वो पैसा हम पॉजिटिव चीज़ में लगा सकते हैं ना? बिल्कुल. तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि गलत चीज़ों में जो हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं, फालतू की चीज़ों में, वो कंट्रोल होगा अगर लोग स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करेंगे. स्पिरिचुअल एजुकेशन कौन देगा? इसीलिए आपने IIT इसलिए है थोड़ा स्पिरिचुअल एजुकेशन देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए. आज हमने कम से कम 15,000 यूथ्स को हम सुधार चुके हैं. आपको गम नहीं हुआ आज तक भी उस बात? गम क्या, खुशी होती है जब लोग आके बोलते हैं आपने हमारा जीवन सुधार दिया, हम कहाँ थे बदमाश गुंडे, आपने मुझको इंसान बना दिया. बहुत खुशी होती है. आप एक सबसे मुश्किल नोबेल प्राइज अचीव करना बड़ा काम नहीं है, एक बिगड़े हुए इंसान को अच्छा इंसान बनाना बहुत अच्छा काम है, बहुत कठिन काम है. तो जब आपने संन्यास नहीं लिया था उससे पहले क्या नाम था, जब आप IIT दिल्ली के गोल्ड मेडलिस्ट बने तब? नाम आपका? नाम था संदीप कुमार भट्ट. संदीप कुमार भट्ट. कहाँ से मूलतः थे? बिहार. बिहार से. तो और अब क्या नाम हो गया संन्यास? सुंदर गोपाल दास. तो आप देख रहे हैं एक IIT के छात्र, और छात्री नहीं गोल्ड मेडलिस्ट जो संदीप कुमार भट्ट थे बिहार के रहने वाले, अब वो स्वामी सुंदर गोपाल दास बन गए हैं. मैं जब विदेशी साधुओं के या विदेशी लोगों के इंटरव्यूज करता हूँ जो वेस्ट से सनातन धर्मी बन गए हैं, या सनातन धर्म जिन्होंने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, तो बहुत सारे भारतीय लोग ये कमेंट करते हैं, अलग अलग मजहबों के भी हैं उसमें, कि क्यों सनातन धर्मी बन रहे हो, यहाँ तो इतना जातिवाद है, यहाँ तो ऊंच नीच का भेदभाव है. आपको लगता है जातिवाद है बहुत ज़्यादा सनातन धर्म? जातिवाद तो हर जगह है, कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है जातिवाद? आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कोर्ट में रूम में जाओ, जज ऊपर बैठता है, बाकी लोग नीचे बैठते हैं, ये क्या है? जज ऊपर क्यों बैठ रहा है? सबको बराबर सीट पर बैठाओ. एक प्रधानमंत्री है, बाकी नॉर्मल मंत्री हैं, क्यों? तो इसी चीज़ को वैदिक शास्त्रों में वर्ण आश्रम व्यवस्था कहा गया है. वो रहेगा, जो व्यक्ति जज ज़्यादा टैलेंटेड है ऊपर बैठेगा. नहीं लेकिन वो कह रहे हैं कि जो शूद्र है वो हमेशा शूद्र रहेगा उस, और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं मानता. तो ये तो रिमर फैलाया हुआ है ना, दैट इज नॉट रियलिटी. अच्छा, जो शूद्र है वो हमेशा शूद्र रहेगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है. हम इसको नहीं मानते ना, भगवान ने ऐसा नहीं कहा है. चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग है, गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया गया, जन्म के आधार पर नहीं. जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विजुच्यते. यस, जन्म से सारे शूद्र हैं जी. जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है. संस्कार से व्यक्ति जो है वो क्या बनता है उसके ऊपर है. संस्कार मतलब शिक्षा. तो एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है? हाँ, क्यों नहीं बन सकता है? आप देखो इस्कॉन में कितने सारे जन्म हुआ शूद्र परिवार में,
ब्राह्मण बन गए, जन्म हुआ मलेच्छ परिवार में ब्राह्मण बन गए, जवन हुआ जवन परिवार में इस्कॉन में इतना बढ़िया रोल कर रहे हैं, सन्यासी हो गए। मिसकंसेप्शन फैलाया हुआ क्योंकि लोग एक्चुअली समस्या क्या है कि हिंदू लोग हिंदू के शास्त्रों को पढ़ते नहीं है ठीक से, कहीं सुनी बातों पे। आप कितने हिंदू हैं जो गीता पढ़ चुके हैं? विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणी गविहस्तिनी सुनी चाहिए वह सोपा के च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित होता है वो समदर्शी होता है। समदर्शी का मतलब क्या है? जो विद्या और विनय से संपन्न है, तो उसके लिए ब्राह्मण, गाय, हाथी, चंडाल और कुत्ता, वो सब में समानता देखता है। गीता में कहे ना भगवान जी, तो कहाँ भेदभाव है। तो ये थे स्वामी सुंदर गोपाल दास, जो कभी संदीप कुमार भट्ट हुआ करते थे, IIT के गोल्ड मेडलिस्ट थे। आपने सुना इनकी बातें कि इन्होंने कैसे वो रहस्यमय चीज़ें बताई जिन पर पर्दा पड़ा हुआ है, और विशेष तौर पर आज इंसानों की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, वो देख नहीं पा रहा है। और छोटी छोटी जो बातें हैं कि आप साथ क्या लेके जाएंगे, जब आप जाएंगे तो आपके जब कर्मों का हिसाब होगा तो आप क्या जवाब देंगे, छोटी छोटी बातें हैं जो हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर हम समझ लें तो जीवन का उद्धार भी हो सकता है। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको स्वामी जी की बातें कैसी लगी, स्वामी जी की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, कौन सी बात से आप सबसे ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज इस साधुओं की श्रृंखला में दिल्ली से इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए साधु किसी नए सन्यासी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।